संजय गर्ग, शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद के डायरेक्टर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। लगातार हम दर्शकों से बात कर रहे हैं, तमिलनाडु से रेखा हमें हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेखा जी, सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है, मैंने वैक्सीन ली थी, दो दिन बाद मेरे गले में खराश है और तीन चार दिन हो गए, थोड़ा मतलब थकान सी महसूस हो रही, तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर संजय, क्या जवाब होगा इनके लिए? देखिए, ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये कोविड भी हो सकता है, क्योंकि आपको कोई भी वैक्सीन जो है ना वो 3 से 4 हफ्ते से पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो किसी भी आदमी के अगर वैक्सीन लेते ही प्रॉब्लम है तो आप मान के चलिए कि नॉर्मल वायरल फीवर भी हो सकता है। कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद थकावट आती है जो एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन आपको जो कोविड से प्रोटेक्शन है वो 4 हफ्ते से पहले नहीं मिलेगी किसी भी वैक्सीन के बाद में। तो वैक्सीन लेने के बावजूद आप अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये संभव है कि आप कोविड से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, बिहार से अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। सर बोल रहे हैं, जो पहले वैक्सीन लेने के बाद कितना दिन बाद दूसरा डोज लेना चाहिए सर? डॉक्टर शेरवाल, ये बहुत बार जो है ना इसकी घोषणा की गई है कि पहले जैसे 4 हफ्ते के बाद हम कहते थे कोविशील्ड लेनी है, लेकिन अभी गाइडलाइन चेंज हुई है, उसके अंदर 6 से 8 हफ्ते के बाद आप लीजिए, और उसके बाद भी अगर 1 हफ्ता और या 2 हफ्ता हो जाए तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कोवैक्सीन है वो अभी हम 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही कह रहे हैं लेने के लिए। कोविशील्ड का इसलिए है कि कई स्टडी आई है जिसमें ये पाया गया कि जिस तरह डिस्टेंस दोनों डोज में बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए 2-2.5 महीने होता है तो उसके बाद अच्छा इफेक्ट आता है उसके अंदर, जो एक स्टडी आई थी। ठीक है, दिल्ली से एक दर्शक है कमल हमारे साथ। कमल जी, सवाल पूछिए। मैं 6 तारीख में टेस्ट करवा रही थी, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, 6 तारीख में मैंने वैक्सीन लगवाई थी। उसके 3 दिन बाद मेरे को कॉल आई, तुम पॉजिटिव हो, 15 दिन में क्वारंटीन रहे, अब दूसरी डोज लूं या नहीं लूं मैं? संजय जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस है। देखिए, दो बातें समझिए, अगर आपका प्रूवन कोविड का केस है तो कोविड से रिकवरी होने के बाद में 3 से 4 हफ्ते के बाद में आपको वैक्सीन लेना है। तो निगेटिव होने के 3 से 4 हफ्ते बाद, आपको रिकवरी के जस्ट बाद। हाँ। अच्छा, कोई टेस्ट भी डॉक्टर साहब जिससे कोई तय कर सके कि 4 हफ्ते बाद भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या 4 हफ्ते बाद जाके ले ले? नहीं, ये सब आर्बिट्रेरी है सर, अभी आर्बिट्रेरी है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी एंटीबॉडी बनेंगी। तो ये आर्बिट्रेरी है कि आपको 3 से 4 हफ्ते के बाद लेना है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे आप ये प्रूव कर पाओ। ये जनरल रिकमेंडेशन है कि 3 से 4 वीक के बाद में लीजिए। ठीक है, बिहार से जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, शेरवाल साहब बोलिए बोलिए बोलिए। इसके साथ जो है, एक तो जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि उनका बीमारी के कारण एंटीबॉडी होती है, दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है तो वो कई बार जो, वैसे तो हम कहते हैं 10 दिन के बाद वायरस डेड हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं फैला सकता, लेकिन देर आर चांसेस कि वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो वैक्सीनेशन सेशन साइट पे जाएं और दूसरों को संक्रमित करें, एक वो भी इसके लिए साथ में जोड़ना जरूरी है। ठीक बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।